सभी को जय मसीह के जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो इतना प्रभावशाली है कि जो कोई यीशु मसीह के वचन को पढ़ता है, उस पर मनन करता है, उस पर विश्वास करता है, चाहे उसका दिल कितना भी कठोर है, परमेश्वर का वचन उस दिल को निर्मल बना देता है, पिघला देता है। और बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह के वचन को सुनकर, मसीह के वचन पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। बाइबिल ही एक ऐसा प्रभु का वचन है जो हमें सत्य मार्ग बताता है, परमेश्वर के बारे में बिल्कुल संपूर्ण जानकारी हमें देता है। इसलिए बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, मैं उद्धार देने के लिए आया हूँ, पापों की माफी देने के लिए आया हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। वो कौन कौन से बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, स्टार हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला नंबर, विद्या बालन। जी हाँ, विद्या बालन ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया है। उन्होंने कहा है कि यीशु मसीह के बिना हम सब जीरो हैं। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह हैं तो हम हीरो हैं, यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम बिल्कुल जीरो हैं। ये सार्वजनिक रूप से यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह का प्रचार किया। तो सबसे पहले हम उनके वीडियो को देख लेते हैं। Jesus, I'm a hero. Without Jesus, I'm a zero. If you have a problem, tell it, I have a big God. Don't tell God, I have a big problem. दूसरे नंबर पर आता है तनुश्री दत्ता। जी हाँ, इनकी गवाही भी आपने सुनी होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से यीशु मसीह का प्रचार किया है और यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बोला है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वो फिलहाल अभी वो इंडिया में नहीं रहते, वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए। बताया है, मीडिया को बताया है यीशु मसीह के बारे में, तो हम उनके वीडियो को भी देख लेते हैं। In my dream, I had an out-of-body experience. It was a bombastic, supersonic, hyper-dimensional, multi-dimensional experience, which kind of blew my mind away a little bit. I had an encounter with Jesus and... तीसरा नंबर है जॉनी लेवर। जी हाँ, जॉनी लेवर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जॉनी लेवर पिछले सालों से यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। पहले वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके बेटे के द्वारा वो विश्वास में आए, क्योंकि उनके बेटे के जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया और आज वो यीशु मसीह का प्रचार खुले आम करते हैं। उनको कन्वेंशन में आप देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, आप उनके माध्यम से उनकी गवाही को सुन सकते हैं। उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया है और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। दो दिन से युद्ध चल रहे थे शूटिंग में, ऐसा टेढ़ा चल रहे थे। मैंने पूछा, आप ऐसे टेढ़ा क्यों चल रहे हैं? तो बोले, पता नहीं यार, ऐसा किसी ने 100 किलो की बोरी रख दो मेरे पे। अच्छा, तो मेरा मन कभी कभी करता था किसी के लिए दुआ करूं, ऐसा क्यों होता अपने को बचपन से, कभी कभी बाई चांस सालों में। मैंने कहा, इनके लिए दुआ करता हूँ यार, मैंने इधर आऊ, मैं आपके लिए क्या करेगा तू? बोला, मैं यूं कुछ करूँ, मैं प्रेयर करूँ। 20-22 साल पहले की बात, मैंने प्रेयर किया, चला गया कैमरे के तक, बोले यार जॉनी इधर आ, तुझे क्या किया, मेरे को अच्छा लगा, फिर एक बार कर। मैंने फिर किया, सीधा हो गया एकदम, स्ट्रेट हो गया। मैंने हाथ लगा के इन द नेम ऑफ जीसस प्रेयर किया, मैंने आज के बाद कोई स्वेलिंग निकल जाए, स्वेलिंग, क्योंकि मैंने ऐसे बोल दिया। और वो दिन और आज के दिन कभी गोली नहीं खाई थी। तो ये होने लगा, तो फिर मैं सेवा में निकल गया, मैंने शायद मुझे सेवा करनी। चौथा है प्रेम चोपड़ा। जी हाँ, प्रेम चोपड़ा ने एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया था, परमेश्वर के बारे में बताया था, और प्रेम चोपड़ा भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। उनके भी वीडियोस आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं और आज वो एक मसीही हैं। तो और जब हम पापों में बंधे हुए थे, गुमराह थे, बेसहारा थे, तो उसने हमें ढूंढा, हमें प्यार दिया और फिर हमें खरीदा, बेजान वस्तु से नहीं, सोने चांदी से नहीं, बल्कि अपने कीमती लहू से। फिर उसने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी,
और फिर उसने हमें खरीदा। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पांचवा है नगमा, जानी मानी एक्ट्रेस नगमा, वो बॉलीवुड में काम करती थी, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन अभी फिलहाल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी गवाही बता रही है किस प्रकार से वो मसीह में आया, किस प्रकार से उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनकी गवाही आज हम सोशल मीडिया में यूट्यूब फेसबुक में हम देख सकते हैं। और लोग फिल्म स्टारों के दीवाने हैं, लोग क्रिकेटर्स के दीवाने, खिलाड़ियों के दीवाने हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के पुत्र की दीवानी हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नगमा है और मैं बंबई में पली बड़ी जन्मी हूँ। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे पिताजी हिंदू हैं और मैं क्रिसमस पर पैदा हुई, तो मैं सब कुछ मैं मानती हूँ। लेकिन कि मैं क्रिसमस के दिन पे पैदा हुई तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं स्पेशल हूँ और मैं यीशु को बहुत प्रिय हूँ, इसीलिए शायद पूरी दुनिया मेरा जन्मदिन मनाती है। और मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जात पात में मैं नहीं मानती, यीशु भी धर्म के लिए नहीं आए थे। और छठवां है करीना कपूर। जी हाँ, भले ही करीना कपूर ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया है, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, लेकिन बॉम्बई में एक चर्च है, वहां पर वो प्रार्थना करने के लिए जाती है। अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है कि मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। ये था मेरे प्रिय बॉलीवुड एक्ट्रेस ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और भी बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, लेकिन आज मैंने आपको 6 ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बताया है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बोला है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदा है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड।